अच्छा क्या? सर, एक ब्रेकिंग भी आ गई है सर, वजीर आजम से वजीर आला पंजाब सलमान मुजदार की मुलाकात हुई है, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, तहरीक अदम एतमाद मिलकर नाकाम बनाएंगे, ये कहा गया वजीर आजम की जानिब से। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है और सियासी सूरत हाल पर जो गुफ्तगु हुई उसमें तहरीक अदम एतमाद को मिलकर नाकाम बनाएंगे, ये कहा गया है वजीर आजम की जानिब से। तो अभी सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हैं, दोनों की मुलाकात हो गई है और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, और अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसमें एक आ गया कि तहरीक अदम एतमाद मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से ग्रीन सिग्नल अपोजिशन में हो गया है कि वहाँ भी अब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी, लेकिन पहला जो था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ही, पहले कहा जा रहा था कि शायद पंजाब, फिर स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद वज़ीर आज़म, लेकिन अपोजिशन ने आगाज़ ही किया है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का। जी लगर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो दिनों का खेल है ना, आज यहाँ पेश यहाँ